एवरीवन, मेरा नाम रश्मि रानी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 में मैंने रैंक 457 प्राप्त की है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और आज डीकेटी के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ऑन व्हाट इज़ द राइट माइंडसेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट रहा जिसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मैंने अपने माइंडसेट पर, अपने मेंटल कैपेसिटी पर बहुत ध्यान दिया, पर्टिकुलरली इस चीज़ पर खास करके ध्यान दिया। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस अबाउट इट। सो स्टार्टिंग विद द राइट माइंडसेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द क्लैरिटी ऑन व्हाई आर यू अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये एग्जामिनेशन, खुद एग्जाम पूरा एक साल का होता है, प्रिपरेशन में सभी अलग अलग टाइम लेते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो ये क्लैरिटी ही आपके आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम करेंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 साल जॉब की और जॉब छोड़ करके मैं फुल टाइम प्रिपरेशन में लगी, तो एक वो सेल्फ डाउट आने की संभावना रहती है कि गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, क्यों सिविल सर्विसेज में एंटर करना आपके लिए ज़रूरी है। और जहाँ ये क्लैरिटी आएगी, आप अपने आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको खुद में किस तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर राइट माइंडसेट की बात करें तो जो पहली चीज आती है वो है क्लैरिटी, कि आप क्यों इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, क्यों आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेटेड रहने में थ्रू आउट द प्रोसेस ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज योर चॉइस टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो जब ये क्लैरिटी आएगी तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है मेंटल लेवल पर। दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपको इस एग्जामिनेशन का डिमांड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, दिस एग्जामिनेशन इज वे मोर देन जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। इसमें आपकी जो पर्सनालिटी है वो टेस्ट होती है, और आप ये समझिए कि आपकी जो ट्रेनिंग है एज अ सिविल सर्वेंट वो बिल्कुल आपके स्टडी टेबल से ही शुरू होती है। जो ट्रेड्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, कि पेशेंस हो गया, या फिर जो डिसीजन मेकिंग, ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग है, या फिर कैसे खुद को स्ट्रेस के टाइम पर काम रखें, ये सब चीज़ें आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ही सीखेंगे। तो ये आपको समझना है कि एग्जामिनेशन क्या डिमांड कर रहा है और कैसे आप इन इन चीज़ों को अपने पर्सनालिटी में कल्मिनेट करें या उजागर करके लाएं। तो मैंने 3 चीज़ों के बारे में बात की। पहला हो गया कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में क्यों बैठ रहे हैं। दूसरा, डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। और तीसरा हो गया पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो एक बार ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हैं, अच्छे से आपने समझ लिए ये 3 बातें, तो टेम्परामेंट कैसे चेंज करें, कैसे उस माइंडसेट में आए, तो ये एक दिन का नहीं है, ये इट्स अ होल प्रोसेस। मैंने जो चीज़ें अपनाई थी वो मैं शेयर करना चाहूँगी। जो फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग विद द डेली रूटीन, तो अर्लियर व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू सेट टारगेट्स फॉर माई सेल्फ, और वो टारगेट्स ऐसे होते थे कि इतने टॉपिक्स कवर कर लूँगी इस सब्जेक्ट के। तो जनरली व्हाट हैपन्स, यू टेंड टू सेट अ वेरी लार्ज टारगेट फॉर योर सेल्फ, और या तो ये प्रॉब्लम होगी, या दूसरा कि आप कोई टॉपिक लेकर के बैठे हैं और समहाउ उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो होता क्या है कि आपका ना उस टॉपिक को कंप्लीट करने में ध्यान रहता है, और आपका पूरा ध्यान रहेगा कि मेरा जो है पूरा टाइम इस टॉपिक में जा रहा है और बाकी टॉपिक्स में कब करूंगा, इन सब बातों पर आपका ध्यान रहता है। तो उसकी वजह से एक तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और दूसरा टॉपिक्स भी नहीं कवर होते हैं। सो व्हाट आई चेंज दैट, मैंने टारगेट थोड़े डिफरेंट सेट करने शुरू किए।
जैसे बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप जो मैं रोज करती थी, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी। तीन चार चीजें थी जो कि मैं कोशिश करती थी कि मैं डेली करूं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली टेस्ट देना, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, नॉट फुल लेंथ टेस्ट, 10 क्वेश्चन मान लीजिए प्रीलिम्स के सॉल्व कर लिया और 5 आंसर राइटिंग कर लिया। और तीसरी चीज मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज, मैं दोनों में से कोई एक जरूर करती थी डेली। और चौथी चीज हो गया, मैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग टॉपिक्स मैं बस ये डिसाइड करती थी कि आज इतने घंटे की स्टैटिक पोर्शन रहेगी और इतने घंटे मैं ऑप्शनल का टाइम दूंगी। तो ऐसे मैंने इस तरह से टारगेट सेट किया। तो इससे होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है कि आपने आपने उस पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो किया। तो एक वो होता है ना कि लिविंग इन द मोमेंट वाली चीज, तो ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको आएगी एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी चीज जो मैंने की थी, आई हैव दिस हैबिट एज वेल एज हॉबी ऑफ राइटिंग डायरी। तो मैंने अपने डेली रूटीन को डायरी में लिखना शुरू किया था, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ना कि ये नहीं कि कितने घंटे क्या पढ़ रही हूँ, बस क्या पढ़ रही हूँ, और जो बेसिक रूटीन है कि मेडिटेशन किया या नहीं। तो वो रात में लिखने टाइम ही आपको एक वो लगेगा कि हाँ आज का दिन जो है वो मैंने सही स्पेंड किया। और दूसरी, इससे एक बहुत बड़ी हेल्प ये होती है, आपको बीच में ऐसा लगेगा, लॉस्ट लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक वो सेल्फ डाउट आता है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर डायरी एंड लुक इन टू इट। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई करी है मैंने। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता था और डेली मैं डायरी जरूर लिखती थी। और जहां तक बात है ये रूटीन सेट करने की, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ हैबिट। काफी कुछ सीखा था मैंने इस बुक से। और ये जो बेसिक हैबिट्स हैं या बेसिक थिंग्स है, जो थिंग्स दैट यू शुड डू डेली वाली चीजें हैं, ये मैंने उसी बुक से सीखी थी। सो अगर आप सभी के पास टाइम हो तो ये बुक जरूर पढ़ें। अगली चीज जो मैंने की थी, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। ज्यादा नहीं, बस डेली 15 मिनट आप बैठे हैं अपने थॉट्स के साथ। इट रियली हेल्प्स, इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर फोकस, इट हेल्प्स यू टू डील विथ ऑल दी नेगेटिव थॉट्स दैट यू हैव ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन। और ये काफी सिंप्लीफाई कर देती हैं चीजें, जैसे आपको समझ में आएगा कि थिंग्स दैट आर वे बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट इट। तो ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, और काफी सिंप्लीफाई हो जाता है ये प्रोसेस, पर्टिकुलरली आपके दिमाग में। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल के बारे में सोचें तो इतना कम टाइम होता है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, और जहां आप उस थॉट प्रोसेस में घुस गए कि इस बार मेरा क्या होगा, या ये कैसे क्वेश्चंस पूछ दिए गए, इसमें क्या लिखूं नहीं लिखूं, तो आप बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब सोच करके। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर हो सके तो या तो मेडिटेशन करें या डेली एक्सरसाइज जरूर करें। इट रियली हेल्प्स यू ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें सेल्फ डाउट होना या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन्स जो होते हैं, ये होना काफी नॉर्मल है, मुझे लगता है कि सभी के साथ होता है। और इस बात को आपको समझने की बहुत जरूरत है कि आप अकेले नहीं हो इस प्रोसेस में। मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर इमोशंस के थ्रू जरूर जाते होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ यू डील विथ दोज इमोशंस। जैसे बर्नआउट होता है, हर 15 दिन बाद नहीं मन कर रहा पढ़ने का, तो आप ब्रेक्स लें, देर इज नो हार्म इन टेकिंग ब्रेक्स। आप अगर 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी बेसिक हैबिट होती थी न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर आप नोट्स ना भी बनाए आप न्यूज़पेपर सिंपली पढ़ के आप अवेयर रह सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इन इन न्यूज़ और इन करंट अफेयर्स इन जनरल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स। और आप ब्रेक्स कैसे लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेक्स के टाइम पे ये नहीं कि सोशल मीडिया यूज किया या फिर जैसे बिंज वॉचिंग सीरीज बिंज वॉच कर लिया, ये सब जो है दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर वेरी अनप्रोडक्टिव, इट विल नॉट हेल्प यू इन द प्रोसेस एट ऑल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ यू स्पेंड योर ब्रेक्स।
मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, अपने पेरेंट्स से बात करती थी। आई यूज टू शेयर माई इमोशंस विद माई मदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ओपन विथ योर इमोशंस एटलीस्ट टू टू वन पर्सन। तो काफी मन हल्का हो जाता है और बाउंस बैक करने में काफी हेल्प करता है। दूसरी चीजें जो जैसे मुझे पेंट करना पसंद है, तो मैं पेंटिंग करती थी, कभी कभी कुकिंग वगैरह भी करती थी। तो ऐसे कुछ प्रोडक्टिव चीजें ढूंढें जो आपको करना पसंद है या जो आपकी हॉबीज हैं, आप उन पर काम करें उस ब्रेक के दौरान, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें। आप इस एग्जामिनेशन को अगर देखेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन आई वुड से। आप प्रिपरेशन के टाइम पर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, आप नोटिस करें कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो पहले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड या जो डेली न्यूज में चल रहा है उस पर कुछ डिस्कशंस लोग कर रहे होते थे, तो आई वुड हैव फॉलन आउट ऑफ दैट डिस्कशन। तो ये चेंज मैंने नोटिस किया कि मैं किसी भी टॉपिक पर आई वॉज केपेबल ऑफ टॉकिंग ऑन एनी टॉपिक दैट वॉज इन द न्यूज। तो ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर के आता है व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स दैट आर इम्प्रूविंग विद इन यू। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ट्राई टू फोकस अपॉन योर सेल्फ, फोकस ऑन हाउ यू आर इम्प्रूविंग। दिस एग्जामिनेशन इज अ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ इम्प्रूवमेंट रादर देन रीचिंग द परफेक्शन। सो दैट वुड बी माई सजेशन एंड सजेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। थैंक यू।